स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ विकास कुमार और आज की जो हमारी पार्ट 27 की वीडियोज है इसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानने वाले हैं। इससे जो हमारे पार्ट 26 वीडियो थी, 26 नंबर की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, समझाया था और काफ़ी स्टूडेंट्स की समझ में भी आया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो अगर हम उसी की बात करें, संतृप्त की ही बात करें, ठीक है जी, तो उसमें क्या था, उसमें हमारे सिंगल बंद बन रहे थे, एकल बंद बन रहे थे, ठीक है। उसमें क्या बन रहे थे, हमारे एकल बंद बन रहे थे, ठीक है। मतलब कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में क्या था, केवल एक बंद बन रहा था। और आज जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें हमारे एक साथ कम से कम दो या तीन बंद मिलेंगे। कितने बंद मिलेंगे, दो या तीन बंद, इनको द्विबंध या त्रिबंध भी आप कह सकते हो। तो इसको देखते हैं, अगर हमारे क्या हो, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं में क्या हो, डबल बंद हो, डबल बंद, डबल बंद मतलब द्विबंध या त्रिबंद हो, तो इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंद हो या त्रिबंध हो। मैं आपको भी बना के दिखा सकता हूं कि कैसे हो सकते हैं ये, देखिए जरा। मान लेते हैं आपके पास C2H4 है, ये क्या होता है साहब, एथिलीन होती है। अब इस एथिलीन में हमें ये बताना है या ये देखना है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आसान है। कैसे पता लगाओगे इस बात का आप, देखिए जरा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम बॉन्ड में लिख लेंगे, किस रचना के रूप में लिख लेंगे, सी सिंगल बंद सी। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी की भी संरचना बनाते हो उसमें कार्बन हो, तो भैया जिसकी संयोजकता अधिक होती है सबसे पहले आप उसी को लीजिए। तो हमारी जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 है, तो सबसे पहले हमने कार्बन को ही लिया, तो कार्बन को कार्बन से जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 4, तो 1, 2, 3, 4, एक ऊपर आ जाएगा, एक इस तरीके से ये आ जाएगा, क्योंकि हमें कार्बन की संयोजकता को भी पूरा करना है, समझ रहे हो बात को, तो हमें कार्बन की संयोजकता को भी पूरा करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर इसके लिए आप 1, 2, 3, यानी कि इस कार्बन के लिए तो 3 बंद हो गए, हमें करने थे 4। अब इसकी बात करें 1, 2, 3, इसके लिए भी 3 ही है, हमें चाहिए 4। तो अब स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां डबल बंद लगा देंगे जी। अब देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, इस कार्बन के भी 4 हो जाएंगे साहब, और 1, 2, 3, 4 इसके भी 4 हो जाएंगे, क्लियर है बात। तो 1, 2, 3, 4 इसके भी 4 हो गए ना। तो इसमें अब आपको ये बताना है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा या असंतृप्त। भैया अभी आपको बताया था कि जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डबल बंद या त्रिबंद एक साथ आएगा कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में, मतलब जो हमारे दो कार्बन परमाणु होंगे उनके बीच में कम से कम डबल बंद या त्रिबंध आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मान लेते हैं आपके पास दूसरा C2H2 है, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब इसमें क्या होगा, हम एसिटिलीन की संरचना को बनाएंगे, तो जब हम एसिटिलीन की संरचना बनाएंगे तो कार्बन कार्बन जैसे ये लिखा था आपने शुरू में, तो कार्बन को कार्बन से जोड़ दिया, हाइड्रोजन है आपके पास 2, आप चाहे ऊपर भी लिख सकते हो, तो एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ देंगे और एक को आपने इधर जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, कार्बन की संयोजकता को देखना है भैया कि कार्बन 4 बंदों द्वारा जुड़ा हुआ है या नहीं है, मतलब प्रत्येक कार्बन 4 बंदों से जुड़ना चाहिए। अब देखते हैं यहां, 1, 2, ये तो 2 हो गए, 1, 2 इसके भी 2 हो गए, हमें चाहिए 4, तो 2 लगा देंगे हम यहाँ, 1, 2, 3, अब 3 हो जाएंगे इसके, 1, 2, 3 इसके भी 3 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ त्रिबंध कर दूं तो 1, 2, 3, 4 इसके 4 बंद हो जाएंगे ना, ऐसे 1, 2, 3, 4 इसके भी 4 बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम
इन बंधों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की भी पहचान कर सकते हैं। बेहद आसान बात, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप जो है मुझे एक क्वेश्चन बताइए। C3H8 में आपको बताना है C3H8 जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आप C3H8 में बताना है, बताइए कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए C3H8 में कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो आपको ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा या असंतृप्त। अभी बताया भाई, आप सबसे पहले इसकी संरचना लिख लोगे CCC, फिर आप इसको हाइड्रोजन से जोड़ोगे, फिर कार्बन की संयोजकता को पूरा करके देखोगे कि कहीं कार्बन की संयोजकता कम तो नहीं है। अगर कहीं आपको डबल बंद लगाने पड़ेंगे तो वो लगाओगे, ठीक है। प्रयास कीजिए और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए ये दे रहा हूँ करने के लिए। इसके बाद देखते हैं जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वे दो तरह के होंगे, ठीक है। दो तरह के क्यों होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक डबल बंद आया था और एक त्रि बंद आया था, तो इसी के लिए इसी के आधार पर ये कितने हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। मतलब एक द्विबंद, यानी कि एक आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा जी, द्विबंद, और एक आ जाएगा आपका त्रिबंद। अब द्विबंद का जो दूसरा नाम है